तेलंगाना बीजेपी सदर मोहतरम जनाब बंडी संजय एमपी करीमनगर की हिदायत पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के सदर हुजूराबाद बाई इलेक्शन की कैंपेनिंग में मौजूद थे, जिसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी मोर्चा के सदर जनाब जिया अफंदी और स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा के सदर जनाब अफसर पाशा और इनके साथ शाना बाशाना कदम बढ़ाते हुए जनाब शकील मिर्ज़ा, स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा जनाब अकील अफंदी, दबीरपुरा कंटेस्टेड कॉरपोरेटर नज़र आए और हुजूराबाद की तमाम आवाम से गुजारिश की है कि बीजेपी के नुमाइंदे जनाब एटेला राजेंद्र को भारी अक्सरियत से कामयाब कर सुनहरा हुजूराबाद बनाए। मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी मोर्चा के सदर ने चंद अहम बातें बताई, आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। नमस्ते, मैं भाग्यनगर प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ शाया हुई है कि जो है सो वो अरविंद धर्मापुरी जी कुछ खिलाफ़ में बोले हैं मुसलमानों के, ये सख्त से सख्त झूठी और बिल्कुल गैर जिम्मेदारान न्यूज़ फैलाई गई है। मैं सारे मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप लोग ऐसी फॉल्स बातों में मत आइए, ये सब झूठ है। और कामयाब करिए इतला जी को, हम लोग सारे मुसलमान भाई पूरा हमारा मोर्चा माइनॉरिटी मोर्चा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग सब आगे आइए और ऐसे फेक न्यूज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये फेक न्यूज़ फैलाने का मेन मकसद ही यही है कि यहाँ से उनको डर हो रहा है, समझ में आ गया है, और किसी भी हाल ये सीट वो लोग TRS वाले बुरी तरीके से हारेंगे और कामयाब करेंगे हम लोग। हम लोग कैसा भी हुजूराबाद की सीट जीतेंगे और जीतने के बाद भाग्य से आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, यह है तेलंगाना माइनॉरिटी, सभी लोगों को मेरा हरबन गुजारिश है। हुजूराबाद इलेक्शन में TRS वाले हार के डर में गुमराह न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हैं। माननीय MP हॉनरेबल MP अरविंद साहब के नाम पे एक फेक न्यूज़ हुजूराबाद के मुसलमानों को बारे में एक फेक न्यूज़ आंध्रज्योति के नाम पे फेक न्यूज़ वायरल कर रहे हैं। और बहुत ये तो फेक न्यूज़ है, एक गलत न्यूज़ है। आंध्रज्योति वाले वो न्यूज़ पब्लिश नहीं करे, उनके पेपर में कहीं भी नहीं है। ये गलत न्यूज़ फेक न्यूज़ इन्होंने वायरल करके हुजूराबाद में मुसलमानों को गुमराह करके वोट लेने के चक्कर में है। उनका हारना उनका कायम हुआ है, इसलिए ये चक्कर में गिर गए हैं। इनका ये नया नहीं है, पुराना खेल है ये। बंडी संजय साहब का भी फेक लेटर GHMC इलेक्शन में वो वायरल करे थे, और अभी भी रेवेंद्र रेड्डी साहब दलित बंधु रुकाने के लिए